हेलो दोस्तों, आज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जैसे कि आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल ग्राउंड कैसे सेट करें। तो वेलकम बाय फ्रेंड, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसके सिम्स रखने हैं। सिम्स रखने के बाद फिर हमें अंदर के गियर सेट करने हैं। सबसे पहले तो एक सिम नीचे की ओर लगेगी, जैसे कि आपने देखा, और ये गियर हमारा प्रॉपर बैठ गया। कभी भी आप गियर बैठाते हैं तो लुब्रिकेट ज़रूर करें, ऑयलिंग उसमें ज़रूर करें, और यह चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि हमारा गियर फ्री होना चाहिए। अब हम ऊपर के भी गियर लगाएंगे, गियर सन इसको बोलते हैं, जो कि इसमें सिम्स एक सिम ऊपर लगती है और एक सिम नीचे लगती है। अगर आप सिम्स नहीं लगाते हैं तो प्ले होने की वजह से गियर सन जो अंदर के गियर चार लगे रहते हैं वो टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। और कुछ इस प्रकार से इसे यहाँ से भी लगाना है। लगाने के बाद हल्के हाथ से ऐसे इसे पुश करके घुमाना है। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से ये घूम गया अपना। और इसके अंदर लगी पिन को इंसर्ट करना है। ये देख सकते हैं, ये बड़े आसानी के साथ ये बैठ जाती है इसमें, अदरवाइज हथौड़ी या किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करें। ये देख सकते हैं आप, और इसमें अच्छी तरीके से ऑयलिंग करें। ये सुनिश्चित करें कि ये हमारा फ्री गियर अंदर के होने चाहिए। अगर आपके गियर फ्री नहीं है तो पुनः इसको खोलें और बनी एमरी को बाहर निकालें। जैसे कोई भी पार्ट इसके अंदर रह जाता है तो उसे साफ़ कर लें। तो ये हमारा डिफरेंशियल थाली होती है। इसे हमें अच्छी तरीके से, ये इसमें कई प्रकार की भी थालियाँ आती हैं, लेकिन अब हम जो यूज़ करते हैं ओरिजिनल अतुल का यूज़ करते हैं। आपके पास कोई भी गाड़ी हो, अगर थ्री व्हीलर में कोई भी आपके पास क्राउन डिफरेंशियल के लिए काम के लिए गाड़ी आती है तो सेम कंडीशन सेम प्रोसेस यही रहती है। तो सभी हमें इनके सभी वोल्टों को अच्छी तरीके से टाइट करना है। 11 नंबर के वोल्ट होते हैं। और लॉक पट्टी कभी भी आप लगाएं तो लॉक पट्टी प्रॉपर लगाएं। तो चलिए इसे फटाफट टाइट करता हूँ। तो ये देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से इसे हम अच्छी तरीके से सभी नटों को टाइट करना है। और टाइट करने के बाद इसे फिर हमें इस प्रकार से लॉक भी करना होता है। अगर आप लॉक नहीं करते हो, अगर आपका बोल्ट ढीला छूट जाता है या खुल जाता है तो आपकी डिफरेंशियल थाली टूट जाएगी। और कभी भी आप बैठाते समय इस वाशर का ज़रूर ध्यान दें। अगर आप इस वाशर को नहीं डालते हैं तो आपका डिफरेंशियल नहीं चलता है और बहुत जल्दी डिफरेंशियल टूट जाता है। कई बार क्या होता है ना दोस्तों कि मैंने अभी डिफरेंशियल बंधवाया फिर उसके बावजूद भी टूट गया। सबसे बड़ा ये वाशर का काम होता है, जो कि हमारा जो टेंगल अंदर लगता है उसको अंदर बाहर के लिए खींच के रखता है। और ये वाशर जो है अगर नहीं लगता तो अंदर की तरफ ज़्यादा बेयरिंग होती है और वाशर दिक्कत करता है। तो इसे भी हमें ऑयल सील भी अच्छी तरीके से इसकी बैठाना है। ऑयल सील में भी कोई हथौड़ी या कोई छेनी का प्रयोग नहीं करना है। हाथ से ये देख सकते हैं बड़े आसानी के साथ ये हाथ से ही ऐसे ये बैठ जाती है। ये देखो, तो चलिए अब इसको भी हम सेट करते हैं। और सबसे पहले ये वाशर रखना है। वाशर रखने के बाद फिर हमें ये प्लेट को रखना है और फिर हमें ये लॉक पट्टी होती है, लॉक पट्टी रखना है। फिर इसके बाद हमें इस नट को टाइट करना है। तो ये देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से इसे हम फटाफट टाइट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि ये हमारे टाइट हो चुके हैं। अब लॉक पट्टी को हमें लॉक करना होगा। लॉक करने के बाद फिर मैं बताऊंगा इसके टेंगल अंदर कैसे डालते हैं और इसका प्रोसेस क्या है। बेयरिंग कई बार डिफरेंशियल आप बांधते हैं टूट जाता है डिफरेंशियल, तो हमें ये बेयरिंग डालना है। बेयरिंग को अच्छी तरीके से लुब्रिकेट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। और कुछ इस प्रकार से हमें इसे डालना होता है। डालने के बाद ज़्यादा इसमें हैमर का उपयोग ना करें, कम से कम बड़े आसानी के साथ आप देखेंगे कि बड़े आसानी के साथ ये एक बार में बैठ जाएगा। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये हमारा डिफरेंशियल बैठ गया। बैठने से आप ये भी ध्यान दीजिएगा, जो हमारा वाशर डाला हुआ है, अगर वाशर डिफरेंशियल के खांचे में फंसता है तो ऑयल सील आपकी फट जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि हमारी ऑयल सील भी सेफ रहे और टेंगल भी बड़े आराम से चला जाए। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें चेक भी करना है कि ये फ्री हमारा घूम रहा है या नहीं। अगर आपका जाम चलता है तो पुनः इसको खोलें और वापस से फिर सेटिंग करें। तो ये देख सकते हैं मेरा एकदम फ्री है। फ्री होने के बाद अब इसमें हम समोसा बोलते हैं, बहुत से मैकेनिक भाई चिड़िया भी बोलते हैं, तो हम इसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसके ऊपर भी एक हमें वाशर रखना होता है। ये देख सकते हैं आप, वाशर रखने के बाद हम इसे टाइट करेंगे। टाइट भी अच्छे तरीके से हमें इसे टाइट करना है।
कोई भी वोल्टों को आप टाइट करते हैं तो लूज कंडीशन नहीं छोड़ना है, ये देख सकते हैं। चलिए फटाफट इसको भी हम टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद हमें इसके अंदर की चीरा पिन जो आती है, क्वार्टर पिन, उसे हमें इंसर्ट करना होता है, जो कि नट को लॉक करके रखे। अगर आपका नट लूज़ भी हो जाता है, अगर क्वार्टर पिन लगा रहेगा तब भी आपकी गाड़ी चलेगी, अदरवाइज़ अगर जो लूज़ हो जाता है, क्वार्टर पिन नहीं लगी रहती और नट खुल के बाहर आ जाता है, तो गाड़ी आपकी दिक्कत करने लगती है। तो इसको भी चलिए फटाफट हम करते हैं। अभी ये देख सकते हैं थाली को भी कुछ इस प्रकार से हमें डालना है और बड़े आसानी के साथ ये फिट हो जाती है। ये देख सकते हैं, ये बैठ गई हमारी थाली। चलिए अब बैरिंग फटाफट इसको लगाता हूँ। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें बैरिंग भी सेट करना होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही ट्रिप्स होते हैं इसके अंदर भी, जो इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट होता है इसकी प्ले, जो डिफरेंशियल की प्ले होती है, प्ले परफेक्ट कितनी रखनी चाहिए। अगर आप प्ले ज़्यादा रखते हो तो भी दिक्कत है, अगर जो आप प्ले कम भी रखते हो तब भी दिक्कत है। डिफरेंशियल में आपके लिए परफेक्ट में प्ले रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे भी हमें अच्छी तरीके से अब टाइट करना है। ये कुछ इस प्रकार से इसे हम घुमा के प्रॉपर तरीके से हम इसे टाइट कर लेंगे। और इसकी एडजस्टिंग भी बड़े आसानी के साथ करना है, जो कि इसकी सेटिंग भी होती है, तो ये दोनों चक नट की ही सेटिंग होती है, चक नट से ही दोनों सेटिंग होती है। तो हमने एक साइड का चक नट बैठा दिया, दूसरे साइड का देख सकते हैं बैठाने वाला, ये देख सकते हैं इसे भी बड़े आसानी के साथ। और आपको विशेष करके सफाई का बहुत ज़रूरी ध्यान देना होता है। अगर आपके इसमें एमरी रहेगी तो आप बार बार छेनी हथौड़ी की मदद से फिर इसे प्रेस करेंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ हम इसकी अब प्ले चेक करने वाले हैं। परफेक्ट ज़रा सी प्ले इसमें होना चाहिए। अगर आपकी इसमें ये है, ये देख सकते हैं कुछ ज़रा सा, मतलब हल्का इसमें प्ले रखना होता है। अगर अदरवाइज़ आप ज़्यादा प्ले रख देते हैं तब भी डिफरेंशियल आपका टूट जाएगा। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ से प्ले से चेक किया जाता है। अगर आपके पास प्ले चेक करने का कोई अंदाज़ा नहीं है तो आप एक सिगरेट का पेपर लो। पेपर लेने के बाद उस क्राउन के अंदर जो दांते बने हुए उसमें लगाने के बाद फिर वापस से इसे घुमा के चेक करें। अगर आपका पेपर परफेक्ट निकलता है तो आपका डिफरेंशियल ओके, अगर पेपर फटता है तो फिर एडजस्टिंग करना है। ये देख सकते हैं हमने लॉक भी लगा दिया, अब इधर साइड से भी लॉक लगाएंगे। तो आप पेपर की मदद से, अगर आपने पहली बार बांध रहे हैं तो आप पेपर की मदद से इसका प्ले परफेक्ट चेक कर सकते हो। पेपर को आपको लुब्रिकेट करना है ऑयल में, गियर के साथ जो अपनी थाली होती है उसको उसमें रखना है, उसके रखने के बाद टेंगल को घुमाना है। घुमाने के बाद जब वो पेपर सेफ निकल जाता है, घूम के फटता नहीं है, तो डिफरेंशियल आपका ओके कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं हमने इसका प्ले वगैरह परफेक्ट कर लिया है। करने के बाद हम इसमें पैकिंग लगाएंगे, पैकिंग लगाने के बाद फिर इसे डिफरेंशियल को वापस से गाड़ी में सेट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही रोज़ाना नई नई टॉपिक की वीडियो के लिए। तो इसे भी हमें फटाफट टाइट करते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं, इस वजह से आपको भी दिक्कत होती है और काम के मामले में। अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ आप अपने घर पे भी कर सकते हो, ऑटो ड्राइवर भाई भी ये चीज़ अपने घर पे कर सकते हैं। इसमें कोई कुछ भी नहीं रहता, कोई सेटिंग नहीं रहती, खाली परफेक्ट प्ले रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्ले नहीं रहेगी तो दिक्कत होगी। चलिए अब गाड़ी में लगा के इसे दिखाते हैं। तो हमने तो पहले बड़ी एक्सल ऑलरेडी हमारी इसमें डली हुई, हमने एक साइड का टायर ही खोल लेते हैं, उसके बाद हम इसे वापस से फिट करते हैं। फिट करने के लिए हो सकता है आपके साथ ऐसा ये एक्सल अंदर वाली नहीं बैठे, तो आप छोटी एक्सल डाल के इसे सेटिंग करके अंदर की एक्सल को बैठा के बड़े आराम से बैठ सकती है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी डिफरेंशियल घूमा, ये हमारा ये बैठ गया। और हमें इसे टाइट करना है तो जल्दी जल्दी टाइट करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो फटाफट इसको हम टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद हम इधर का भी टायर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम इधर का भी टायर इसे बैठाते हैं। तो चलिए इसे टाइट करता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जो कि ऐसे ही नई नई टॉपिक की वीडियो के लिए।
तो कुछ हमें इस प्रकार से इसे टाइट करना है। टाइट करने के बाद ये हमने छोटी एक्सल ऑलरेडी पहले टायर में डाल लिया है। डालने के बाद हम इसे पहले इसमें सेटिंग करेंगे ये कुछ इस प्रकार से। और नीचे की तरफ हमें जैक लगाना होता है, ये जैसे कि हाइड्रोलिक हमने जैक लगाया है, आप देख सकते हैं जैक लगाने की वजह से हल्का सा इसे प्रेस करना, ये हमारा बैठ गया। तो इसमें कोई भी इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना होता, वो बड़े आसानी के साथ बैठ जाता है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैंने स्किप करके फटाफट इसे हम टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं इसे कैसे हमने फिट किया है कम्प्लीटली ईजिली। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारा कंडीशन अभी बोल्ट के कंडीशन कर लिया है। आप देख सकते हैं फिट होने के बाद कुछ इस प्रकार से इसे लगेगा, इस तरह से फिटिंग हो जाता है। आगे की साइड में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसे भी हमने फिट किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही रोज़ाना नई नई टॉपिक की वीडियो के लिए। तो ये देख सकते हैं हमने आगे से भी इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लिया। कोई भी बोल्ट टाइट करते हैं तो प्रॉपर टाइट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।